नमस्कार, मैं हूं अर्जिता और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। जयपुर में दुनिया का सबसे बड़ा लिटरेचर फेस्टिवल GLF चल रहा है। साहित्य, संगीत और कला से लबरेज इस मेले में हजारों साहित्यकार, संगीतकार और फिल्म से जुड़े सेलिब्रिटीज लाखों श्रोताओं के बीच रूबरू हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच ये साहित्य महोत्सव विवादों में घिर गया है, जिसकी वजह है यहाँ लगा मुगल टेंट। दरअसल BJP ने मुगल टेंट का नाम बदलने की मांग की है, जिसके बाद से BJP नेताओं और GLF आयोजकों के बीच चर्चा छिड़ गई है। दरअसल मुख्य प्रवक्ता और चौमू विधायक रामलाल शर्मा ने वीडियो जारी कर मुगल टेंट नाम को बदलने के लिए पुनर्विचार करने की बात कही। वहीं विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि GLF आयोजकों के इस कदम से बहुत सारे भारतीयों की भावनाएं आहत हुई हैं। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल कई सालों से चल रहा है, हमने हमेशा उनका सम्मान किया, लेकिन एक टेंट का नाम मुगल लगकर उन्होंने देश के बहुत सारे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। लिटरेचर फेस्टिवल बहुत वर्षों से होता है और देश और दुनिया के कई इस साहित्य में रुचि रखने वाले लोग अपने अपने विचार रखते हैं, इसमें हमने हमेशा उनका सम्मान किया है। लेकिन इस घटना में का नाम मुगल रख करके उन्होंने जरूर हमारे के नाम से रख सकते, अशफाकुल्ला के नाम से रख सकते थे, देश की स्वाधीनता के आंदोलन में जिन लोगों ने देश के कुर्बान हुए उन लोगों के नाम से रख सकते थे। केवल और केवल एक ट्रेन का नाम मुगल रख करके उन्होंने इस देश के अधिकांश लोगों के मन को पीड़ा पहुंचाई, इसमें कोई दो राय नहीं। जयपुर के अंदर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन आयोजकों को ये पता नहीं कि राजस्थान की मिट्टी से जुड़े हुए उसी तरीके से नाम यहाँ देने चाहिए। यहाँ पन्ना दाई भी हुई है, महाराणा प्रताप भी हुए हैं और मीराबाई भी हुई है, लेकिन आयोजकों ने अपने अपने डोम का नाम भी अलग अलग तरीके से दिए और एक डोम का नाम तो उन्होंने दिया कि मुगल टेंट। आखिरकार किस मानसिकता का परिचय देना चाहते हैं? आयोजकों को कम से कम राजस्थान की मरु मिट्टी से संबंधित इसका इतिहास और गौरवशाली इतिहास उसको अगर रेखांकित करते तो ज्यादा अच्छा रहता, इसलिए आयोजकों को अपनी मानसिकता के ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए। वहीं अब इस विवाद पर फेस्टिवल के आयोजक संजय रॉय का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हॉलीवुड में मुगल शब्द का इस्तेमाल एक निश्चित जीवन शैली को दिखाने के लिए किया जाता है, न कि किसी धर्म या लोगों को बदनाम करने के लिए। राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं है। संजय रॉय ने आगे कहा कि उनकी अपनी निजी राय और विचार है, ये इतिहास का एक हिस्सा है जो पिछले 16 सालों से चला आ रहा है और भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा। हॉलीवुड में देखिए, यू यूज द वर्ड एज मुगल not to denominate a religion or a people, but to look at the lifestyle and what the perception is. You're the Mughal of Hollywood. Matlab, you are the Badshah. That is the concept here. And if in Rajasthan, we deny the history of Rajasthan, jahan pe aapke sare jo raja the, Raja Jai Singh, Raja Savai Man Singh, wo to sare, they were all part of a court. Whether it was Akbar's court, etc., your Amir fort has been built as part of this. I don't think we can be in denial. We are a literary festival. हमें politics से ना तो लेना देना है। गौरतलब है कि कोरोना काल के बाद जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल यानी GLF को एक बार फिर ऑफलाइन आयोजित किया जा रहा है, जो कि 23 जनवरी तक GLN रोड स्थित होटल क्लार्क्स आमेर में हो रहा है। जयपुर में चल रहे लिटरेचर फेस्टिवल में कई हॉल बने हैं। चारबाग हॉल में कई बड़े सेशन हो चुके हैं। चारबाग हॉल का नाम भी चर्चा में है। हालांकि पहली बार ऐसा हुआ है कि लिटरेचर फेस्टिवल में टेंट और हॉल के नाम पर इतनी चर्चा है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि मुगल टेंट पर छिड़ी इस बहस पर आगे क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। फिलहाल इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी बड़ी और अहम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाएं, ताकि चैनल से जुड़ी किसी भी लेटेस्ट अपडेट से आप कहीं चूक न जाएं।